दिन के मंथन के बाद मध्य प्रदेश में सीएम के नाम पर मुहर लग चुकी है। सीएम की रेस में कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य को पछाड़कर जीत हासिल की है। आइए जानते हैं आखिर राहुल गांधी ने कमलनाथ पर ही क्यों भरोसा जताया, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदी में एक कहावत है कि समझदार को इशारा काफी होता है। मध्य प्रदेश में जिस वक्त सीएम की कुर्सी पर खींचतान जोरों पर थी, तब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ उनके अगल बगल खड़े थे। राहुल ने इस फोटो पर कैप्शन दिया, धैर्य और वक्त दो सबसे शक्तिशाली योद्धा होते हैं। राहुल के इस कैप्शन ने मध्य प्रदेश के सीएम की अनौपचारिक घोषणा कर दी थी, जिसके बाद देर रात सीएम पद के लिए कमलनाथ के नाम का ऐलान भी हो गया। आइए आपको बताते हैं कि कमलनाथ को सीएम बनाने के पीछे क्या ठोस वजह थी। पहली वजह, अनुभवी। माना जा रहा था कि सिंधिया को राहुल के करीबी होने का फायदा मिल सकता है, लेकिन कमलनाथ के अनुभव के आगे सिंधिया सीएम की कुर्सी से चूक गए। कमलनाथ 1980 में पहली बार लोकसभा सांसद बने, फिर 1985, 1989 और 1991 तक लोकसभा चुनाव जीतते रहे। इस तरह वो 9 बार सांसद रह चुके हैं। दूसरी वजह, एमपी में जीत के लिए जिम्मेदार। कमलनाथ ने 15 साल से सूबे में पांव पसार चुकी बीजेपी को धूल चटाई, इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और उनकी इस मेहनत के चलते कांग्रेस बहुमत के इतने करीब पहुंच पाई, जिसका फल उन्हें सीएम बनाकर दिया गया। तीसरी वजह, जनता में अच्छी पैठ। कमलनाथ की छवि एक लोकप्रिय नेता की रही है, लेकिन उन्होंने हमेशा जमीन से जुड़कर काम किया। केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्रालयों का दायित्व संभाल चुके नाथ को जनता की नब्ज मालूम है, यही वजह है कि उनका एक मजबूत जन आधार है। खबर अपडेट की रिपोर्ट।